सो गाइस डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। एंड यार इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यार स्पेशल थैंक्स टू अनसेटिस्फाइड रेयर जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए टॉपिक दिया, जिन्होंने मुझे RPC दिया। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड यार आज हम खेलने वाले हैं ARK PC इन मोबाइल यूजिंग GeForce Now NVIDIA गेम्स एमुलेटर। सो यार जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अनसेटिस्फाइड रेयर ने मुझे ये ARK PC दिया। सो मुझे तो यह गेम मतलब PC वाला ARK खेलना नहीं आता, तो चलो ट्राई करते हैं। थोड़े से हम जो नॉर्मली खेलने वाले आइलैंड मैप में। सो चलो यार सिंगल प्लेयर में करते हैं क्लिक। क्लिक कैसे होता है आई थिंक सो ए से हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हर एक एमुलेटर गेम में होता है। एंड यार स्क्रीन देखो, इस लोडिंग स्क्रीन क्या मस्त दिख रही है। सो वेट करते। ओके सो गाइस हम आ चुके हैं कैरेक्टर कस्टमाइजेशन पे। एंड इसमें मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना आता, थोड़ा सा स्किन का कलर बदल लूँगा, इतना भी काला नहीं यार। हाँ ऐसा ठीक है। एंड हेयर कलर तो ब्लैक रखेंगे, आई कलर भी जो है थोड़ा सा ब्लू कलर का रख देंगे। एंड अभी जो है आई थिंक अच्छा लग रहा है। एंड ये डाउनलोड सर्वाइवर ऐसा कुछ तो ऑप्शन है, सो ये तो मुझे नहीं पता। एंड अभी सर्वाइवर नेम में जाके हम जो खुद का नेम नामकरण कर देते। सो लेट्स गो, वेदांत नाम रख देंगे हम। एंड देन स्पॉनिंग सर्वाइवर कर देंगे, रेडाउनलोड सर्वाइवर नहीं, स्पॉनिंग सर्वाइवर। ओके सो लेट्स गो, स्पॉन न्यू सर्वाइवर कर दिया है। एंड ओके सो ये मतलब गाइस मुझे द आइलैंड मैप का एक चप्पा मालूम है। सो यहाँ पे मैं स्पॉन किया, यहाँ पे मैं जानबूझ के आई यहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ, जिससे कि मतलब एक्सप्लोरर नोट्स सर्वाइवर नोट्स ले सकते। एंड ग्राफिक्स देखो यार मस्त एकदम। सो वाई से जो यहाँ पे ऐसे मतलब गिरे हुए चुने फिर बेजिस कलेक्ट कर सकते हो, ये तो पता ही है मुझे। एंड इसको RT से मतलब फार्म कर सकते हो, RT को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो ओके सो पूरा पेड़ तोड़ दिया। एंड लेवल अप भी आ चुका है। सो 20 इन्वेंट्री खुलती है अपनी। एंड ये जो है फालतू का सामान है क्या है, इसको फेंक देते इसको। सो ये सब टोपी वोपी फेंक देते। सो यार सामान तो सारा फेंक दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे एक टेरेनोडॉन दिखा। सो पहले इसकी लेवल चेक कर लेते यार। डिफिकल्टी लेवल मैंने 1 रखी थी, सो आई डोंट नो कितने लेवल का आएगा। एंड इसकी लेवल आई थिंक सो 20 ऐसे कुछ थी इसकी लेवल। सो मतलब डिफिकल्टी 1 रखी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे एक और है, सो इसको छोड़ते हैं। एंड जो है एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते खुद के लिए। तो गाइस जो बॉक्स है ना मतलब ये समझता नहीं है कि ये बॉक्स मतलब क्या सिलेक्ट कर रहा है। सो देखना पड़ रहा है बहुत कुछ। सो पिकेक्स तो हमारी बन चुकी है, सो इसको हम हॉट बार में जो है रख देते, इक्विप कर लेते। ओके ये आ नहीं रही है आई थिंक, मतलब वापस से करनी पड़ेगी, मतलब वापस से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखो अभी तक मतलब घोड़बार में आई नहीं है, तो इसे वापस से इक्विप करते हैं। अभी आ गई गाइस, अभी इक्विप हो चुकी है। एंड ओके अभी जो आ रही है हाथ में। सो जल्दी से थोड़ा सा थैश कलेक्ट कर लेते, RTC थैश कलेक्ट होगा। सो काफ़ी सारा थैश मिल रहा है गाइस, मतलब हार्वेस्टिंग रेट भी मैंने सब कुछ नॉर्मल रखा है। डिफ़िकल्टी हार्वेस्टिंग रेट कुछ चेंजेस किए नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा मिल रहा है। सो अरे नोटिफिकेशन। ओके सो अभी क्या करना कुछ समझ नहीं रहा है। आई थिंक थोड़े से फ्लिंट कलेक्ट करके हैचेट्स बना लेते, थोड़ा सा मतलब एक हैचेट बना लेते। सो RT कंट्रोल भूल जाता हूँ यार मैं। सो यार जल्दी से फ्लिंट कलेक्ट कर लेते।
कोई भी मार है और यार ये छोटे छोटे कॉम्प यार बहुत ज़्यादा मारते एंड यार आर पी सी में जो है अगर ये नाम के नीचे आपको प्लस जो दिखाई दे रहा होगा मतलब उसका मतलब भी इनका अटैक मतलब 2 times बढ़ जाता है, उनका ज़्यादा डैमेज बढ़ेगा एंड इतने लेवल यार 8-8 लेवल गए सिर्फ उसको हम हार देते एक बच जाए तो मजा। ओ भाई 28 लेवल का कॉम्प ही था एंड हेल्थ कितने ज़्यादा डाउन कर दिया यार, तो जल्दी से भाई ये क्या है यार थोड़े से मतलब बेरीज कलेक्ट कर लेते खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी काफ़ी सारे बेरीज है यार एंड भाई हेल्थ देखो गाइस 18 कर दी मैंने मेरी, तो जल्दी से थोड़े से बेरीज खा लेते एंड जल्दी से खा लेते बेरीज। ओके तो खा ली एंड अभी जो है थोड़े से लेवल्स लेवल अप कर देते एंड यार बाहर थोड़े से मतलब लोग आए तो उनका आवाज़ तो डिस्टर्बेंस हुई तो माफ़ कर देना। सो हेल्थ में तो अभी हम डालेंगे नहीं क्योंकि अगर डाल दिए तो हम मर जाएंगे, तो मेले डैमेज में डालते हैं एंड बाकी का वेट में डाल देंगे। लेवल 4 के हो चुके एंड अभी जो है यार हैचेट एंड कैंप फायर का इंतजाम खोल लेते एंड अभी चलते बनाते इन दोनों को। सो क्राफ्टिंग में जाके इसको बना लेते हैच कैंपर। ओके सो हैच कैंपर के लिए जो है स्टोन चाहिए, तो पहले तो यार हैचेड बना लेते हैं उसके बाद स्टोन कलेक्ट करेंगे। ओके सो यार बाहर इतना ज़्यादा शोर है गाइज। ओके सो हॉट बार में कर लिए यहाँ पे एंड इसको इक्विप कर लेते। ओके सो अभी जाएंगे हम सीधे सीधे एंड स्टोन कलेक्ट करेंगे सामने पत्थर से। ओके सो थोड़ा सा एक तो गाइज मुझे कंट्रोल समझ नहीं आ रहे एंड और बहुत सारा स्टोन काफ़ी सारा मिल गया यार। सो अभी जो है थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते जिससे कि कैंप फायर को आग लगा सके। सो बहुत सारा मिल रहा है एंड ओके 51 मिल गया एंड पूरा पेड़ टूटा भी नहीं अभी तक। सो कैंप फायर तो इस क्राफ्ट हो चुका है एंड ये जो है हम लगा देते हैं बाहर मतलब थोड़े से खुले में एंड कैसे लगता है ये आर्ट। इसमें से बहुत सारे अगर आपको कुछ करना हो तो आर्ट से ही लगेगा। सो जल्दी से इसमें तो वुड ट्रांसफ़र कर देते एंड वुड कर दिया ट्रांसफ़र एंड अभी मीट कर ट्रांसफ़र करते। सो यहाँ पे कर दिए एंड नोटिफिकेशन से ओके सो अभी जो है इन पर लाइट फायर कर देते। सो यार अभी जो है लाइट फायर कर देते एंड गैस मैं सोच रहा हूँ जब तक हमारा फूड कुक हो रहा है तब तक हम जो है मतलब क्लॉथ का सेट बना लें खुद के लिए। सो यहाँ पे नीचे फुल क्लॉथ सेट ओपन कर लेते टी शर्ट हा पैंट सब कुछ। सो जूते टोपी एंड अभी जो है इसको क्राफ्ट करते फाइबर बहुत सारा है मेरे पास कलेक्ट किया था मैंने एंड सबसे पहले जो है तो शर्ट बना लेते पैंट बना लेते ये मेन चीज़ें पहले बनाएंगे एंड अभी जो है फालतू की चीज़ें बनाते एंड लास्ट में टोपी। सो टोपी की गाइस इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बना लेता हूँ एंड देखते हैं अभी हमारा लेवल अप भी मैंने कर दिया 5 level का हो चुका हूँ मैं एंड अभी जो है इक्विप कर लेते हैं पूरे सेट को हमारे। ओके सो सबसे पहले चड्डी क्लिक करते दैन शर्ट दैन सब कुछ हाथ टोपी जूते। ओके सो सब इक्विप हो चुका है एंड यार पॉज हो गया गलती से गेम इसको रिज्यूम कर देता हूँ एंड ओके कंट्रोल देख रहा हूँ मैं मतलब किस बटन को दबाने से क्या होगा। ओके सो ए से जंप LB LT से कुछ नहीं होता। ओके RB RT से सब कलेक्ट होता है मतलब मारते और वाय से कलेक्ट होता है। बी से इन्वेंट्री एक से कुछ नहीं होता आई डोंट नो ये एक से मतलब होता भी होगा किसी डायनोस के ऊपर बैठने से। अरे बंद नहीं करना था खाना देख रहा था मैं तो गलती से बंद हो गया इसे जला देते वापस। सो यार थोड़ा सा खाना खा लेता और अरे अरे भाई भाई अरे यार ये डिलोफोसॉरस मारने आता है जल्दी से इसको हैचेट से और मार दिया यार। ओके सो 40 level के डिलोफोसॉरस ने मार दिया यार। ओके होप सो मतलब
मुझे मेरा सामान मिल जाए और वो डी ऑफिसर चले जाए वो मेरे सामान की दूर, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अरे बंद कर ये एनिमेशन, जल्दी से चल। ओके सो चलते एंड यार मुझे स्प्रिंट कैसे करना तो आता नहीं है, सो ऐसे ही जाना पड़ेगा आराम आराम से। एंड ओके सो सामने एक, मतलब मेरे सामान के पास एक डिलोफोसॉरस है लेकिन दूर है थोड़ा सा। चलते दूर नहीं है, पास है, वो दूर से लग रहा था कि वो दूर है, वैसे क्राउच करके चलते हैं उसके पास। तो प्लीज़ देखना मत, देखना मत। ओके देखा नहीं उसने। सो यहाँ से जाते हैं एंड सामने भी एक डिलोफोसॉरस है। सो अभी जो ओके ये यहीं पे सामने क्राउच हो जाते हैं ताकि ये देख ना पाए। ओके सो गाइस वो थोड़े से दूर चला गया एंड अभी जो है हम हमारे सामान कलेक्ट कर लेते हैं। अरे सामान कलेक्ट करना है, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। सो वाई एक्स ओके सो जल्दी से ट्रांसफ़र ऑल कर लेते एंड अरे हाँ तो ओके सारा सामान आ चुका है एंड इन लोगों ने मेरा कैंप फायर भी तोड़ दिया तो कैंप फायर का भी सामान ले लेते हैं। सो यहाँ पे जल्दी से ले लेता हूँ सारा सामान। अरे क्या हो रहा यार कंट्रोल्स। सो वाई से ट्रांसफ़र ऑल कर लेता हूँ एंड एक्सेप्ट। ओके सारा सामान मिल गया, अभी जल्दी से भागते हैं यार, ये तो वो देख लेंगे तो मार देंगे वापस से। ओके सो आ गए यहाँ पे। ओके सो गाइस आज के लिए इतना है, होप आपको जो है आरपीसी का गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।